1 2 8हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र, स्वागत है एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाले हैं, क्योंकि आज हम वीडियो कुछ ऐसा बना रहे हैं जिसमें धमाका करने वाले हैं। ठीक है, तो कैसा होने वाला है, काफी ज्यादा मजेदार होने वाली वीडियो। तो गाइस, आपको पता होगा कि दिवाली में पॉपअप क्रेकर जो होता है, जो कि छोटा छोटा होता है, पटकने से ब्लास्ट होता है, ठीक है, तो उसी को बनाने वाले हैं अपने तरीके से। ठीक है, काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो उसको बनाएंगे। किस तरीके से बनाना है, कैसे क्या करना है, घर पे बनाएंगे। ठीक है, तो पहली चीज तो आप लोग ऐसा कुछ ट्राई ना करें घर पर बिल्कुल भी। तो चलते हैं उसको वीडियो में, देखते हैं किस तरीके से बनाते हैं, और एकदम 100% उससे ज्यादा तेज थोड़ा ब्लास्ट होता है। ठीक है, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलते हैं वीडियो को पूरा देखते हैं। फ्रेंड्स, से देख लीजिए, मेरे पास में माचिस का पूरा पैकेट है। ठीक है, जिसमें 8-10 माचिस की डिब्बियाँ होती हैं। ये पूरा पैकेट ही हम ले आए हैं मार्केट से। चलते हैं इसको फटाफट से ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद में कहे तो हम क्या करेंगे कि माचिस की तीली को निकालेंगे, और जो इसमें मसाला लगा होता है, ठीक है, जिसको रगड़ने पर जलता है, ठीक है, माचिस का ये वाला पार्ट ऊपर जो लगा होता है काला काला सा, इसको पूरा हम निकाल लेते हैं। देख लीजिए गाइस, ये हमारा पूरा मसाला निकल चुका है, इतना सारा इकट्ठा हो गया टाइल्स पे। तो इन सभी को हम इकट्ठा कर लेते हैं, एक साथ कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं कितना हुआ है। फ्रेंड्स, से देख लीजिए, माचिस का तीलियों से मसाला हमने उसको निकाल लिया है। ठीक है, तो ये पूरा कागज़ पर इकट्ठा रख लिए हैं। उसके बाद में हम क्या करते हैं कि माचिस के डिब्बी पर जो मसाला लगा होता है, जिस पर तीले को रगड़ते हैं, ठीक है, वो वाला पार्ट फाड़ लेते हैं डिब्बी से। तो देख लीजिए, हमने पहले उस डिब्बी को फाड़ लिया है, उसके ये वाला पार्ट, ठीक है, हिस्सा देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर जहाँ पर रगड़ते हैं। तो इसको बिलेट से करके इसके ऊपर जो मसाला लगा होता है उसको निकालते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से। उसको मिलाने के बाद में गाइस, हम क्या करेंगे कि जो माचिस का ये वाला पार्ट था, जिसको अभी हम ब्लेड से साफ किए थे, तो इसको क्या करेंगे, कैंची से थोड़ा काट लेंगे। ठीक है, पहले साइड का, और उसके बाद में इसके छोटे छोटे टुकड़े करके, ठीक है, जो ये कागज़ है, इस कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े करके इसी में डाल देंगे। ठीक है, देख लीजिए, पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसमें हम ये मसाला डालते हैं, और इसके बाद में गाइस एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या करेंगे, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है, जो टाइल्स है ना, पत्थर जैसा है, तो इसके छोटे छोटे टुकड़े इसमें हम डाल देंगे। ठीक है, ध्यान रहे कि इसको घर पर आप लोग ट्राई ना करें। तो क्या करेंगे, उस टुकड़े के उसमें डाल के, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े करके, और उसमें डाल के ऐसे लपेट लेंगे। ठीक है, जैसे कि आप देख लीजिए स्क्रीन पर, लपेट लेंगे, और उस पत्थर मत भूलिएगा आप, ठीक है, इसमें डालने के लिए, तभी ये ब्लास्ट करेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम बना लेंगे। ठीक है, भरने के बाद में जैसा कि देख लीजिए, हमने इसमें भर के बना लिया है। ऊपर से हम एक पे धागा लपेट दे रहे हैं ताकि अच्छे से मजबूत हो जाए। फ्रेंड, जो धागा थोड़ा सा निकला था लास्ट में, उसको फेविकोल से चिपका दिए हैं, और ये बन के कम्प्लीट हो चुका है। अब बारी आती है इसको टेस्टिंग करने की। तो फाइनली गाइस आ गए हैं इसको टेस्टिंग करने के लिए। ठीक है, तो काफ़ी सारे रात हो चुकी है, वो वाला वीडियो पूरा दिन में शूट किए थे, लेकिन रात हो गई, बाहर आए हैं। ठीक है, आप देख लीजिए फटाफट से, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे बहुत परिंदे नजर आ रहे होंगे, जो अभी अलग बात है। तो चलते हैं फटाफट से टेस्टिंग करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, काफ़ी देर वहाँ से पता नहीं दिख रहा है। चलो ठीक है, यहाँ से दिख, तो हम करते हैं ये हाथ नचा के, हमारे पास में आ गया है हमारा पॉपअप क्रेकर, जिसको हमने बनाया था घर पर। तो चलते हैं इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो 1 2 एंड 3 सीट गाइस, ये ब्लास्ट नहीं हुआ है, थोड़ा दब गया। ठीक है, हमारा आ गया दूसरा। ठीक है, दूसरा पटकते हैं, रखते हैं 1 2 एस। तो देखा गाइस क्या ब्लास्ट हुआ था। ठीक है, काफी ज्यादा मजेदार रहा है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं ऐसे नए और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।